लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। उस घर में सालों बाद एक ऐसा शख्स आया जिसका सिर्फ वो हीरा नहीं बल्कि भक्षानर का अंश भी इंतजार कर रहा था। चित्रा एकटक नजर से हरे हीरे के अंदर देख ही रही थी कि तभी अगले ही पल उसकी चोटी में मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। चित्रा की चोटी और जोर से उसकी पीठ पर लहराने लग जाती है, नागिन की तरह डोलने लग जाती है, पर चित्रा का चोटी पर ध्यान ही नहीं था, वो तो बस उस हीरे को देखने में ही लगी हुई थी। वो एकटक नजर से हीरे के अंदर देख ही रही थी कि तभी उसे हीरे के अंदर अनुराग नजर आने लग जाता है। जैसे ही चित्रा को अनुराग नजर आता है वो बौखलाहट के साथ बोल पड़ती है, ये तो अनुराग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हीरे के अंदर दिखते अनुराग को नोटिस करते हुए चित्रा फिर खुद से बोल पड़ती है, अनुराग इस वक्त लंगड़ा नहीं रहा है, इसका मतलब अभी तक इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, कहीं ये वो पल तो नहीं जब अनुराग यहाँ पंचम गांव में आया था? हाँ ये वही वक्त होगा, अनुराग ने जरूर इस हीरे को छुआ होगा, तभी उसकी भी यादें इसी हीरे में कैद है। चित्रा कुछ और सोचते हुए कहती है, पर अगर ये हीरा अनुराग को मिला था तो उसने इस हरे हीरे को यहीं पर क्यों रहने दिया? यक्षिणी के ताज के हीरे की तरह अपने पास क्यों नहीं रखा? चित्रा और गौर से हीरे के अंदर देखने लग जाती है और वो देखती है कि अनुराग पंचम गांव के अंदर था और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। वो काफी डरा और घबराया हुआ लग रहा था, उसके पैर डर से थर थर कांप रहे थे, फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहा था। भक्षानर के बारे में जानने की तलब उसे यहाँ तक ले आई थी। शाम हो चुकी थी जिस कारण अंधेरा होने लग गया था। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहता है, ये गांव तो सच में बहुत डरावना है, मेरी कहानियों से भी ज्यादा। बल्लू काका ने मुझे कहा भी था कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर फिर भी मैं यहाँ पर आ गया। पर मैं क्या करता, मेरे लिए भक्षानर के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। अब ये बात मैं बल्लू काका को कैसे समझाता, उन्हें क्या पता कहानियां लिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खुद डर का सामना करना पड़ता है डर के बारे में लिखने के लिए, उन्हें तो कहानी का क तक नहीं आता। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग अपने कदम पंचम गांव में आगे बढ़ाते जा रहा था। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि अगले ही पल उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है और वो जहां पर था वहीं पर खड़ा हो जाता है। यक्षिणी का ख्याल मन में आते ही अनुराग के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो एक्साइटमेंट नजर आ रहा था वो मायूसी में बदल जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है। अनुराग मायूसी के साथ खुद से कहता है, यक्षिणी ने भी तो मुझे मना किया था कि मैं भक्षानर के बारे में ना उससे कुछ पूछूं ना भक्षानर के बारे में कुछ पता लगाऊं, पर मैं उसे भी कैसे समझाता कि भक्षानर के बिना मेरी किताब अधूरी है, मुझे भक्षानर के बारे में अपनी किताब में लिखना ही होगा तभी उसकी कहानी पूरी हो पाएगी। यक्षिणी की कहानी भक्षानर के बिना अधूरी है, आखिर उसी की वजह से तो उसका पृथ्वी लोक पर अस्तित्व मुमकिन हो पाया है। अगर वो ना होता तो ना यक्षिणी कभी पृथ्वी लोक पर आ पाती, ना मैं उस पर कहानी लिख रहा होता, मेरी और यक्षिणी की मुलाकात भी कभी नहीं होती। अनुराग एक लंबी आह भरने के साथ ही फिर खुद से बोल पड़ता है, मुझे माफ कर देना यक्षिणी, मुझे पता है तुमने मुझसे वादा मांगा था कि मैं तुम्हारी कहानी में भक्षानर के बारे में कुछ न लिखूं, पर उसके बारे में लिखना मेरी मजबूरी है, मेरी जिंदगी में प्यार से भी बढ़कर मेरा कर्म है और मेरा कर्म कहानी लिखना है। मैं अपनी कहानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। तुमने मुझे अपनी कहानी के हर किरदार के बारे में बताया, अघोरी, महाडायन, रज्जन के बारे में बताया, बस कभी भक्षानर के बारे में नहीं बताया, इसी की वजह से आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अगर तुम मुझे भक्षानर के बारे में बता देती तो मुझे कभी इस गांव में नहीं आना पड़ता, न तुमसे किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता। अनुराग कुछ और सोचते हुए मायूसी के साथ कहता है, मुझे पता है यक्षिणी, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं पंचम गांव आया हूँ तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, पर देखना जिस दिन मैं तुम्हारी कहानी पूरी कर दूंगा तुम मेरी सारी गलतियों को माफ कर दोगी। आखिर तुम मुझसे सच्चा प्यार जो करती हो और जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, वो एक दूसरे के सारे गुनाह माफ कर देते हैं, यही सच्चे प्यार की निशानी होती है। ये बात अपनी जुबान पर लाते ही अनुराग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तो आ गया हूँ पर इस भक्षानर के बारे में पता कैसे लगाऊं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगा था मुझे यहाँ कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा जिससे मैं भक्षानर के बारे में पूछ लूंगा। ये गांव तो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, ऊपर से खौफनाक अलग है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी के सेट पर आ गया हूँ। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। अनुराग के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए ताकि उसे भक्षानर के बारे में कुछ पता चल पाए।
अनुराग अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी एक जगह आकर उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। वहां से वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाता है, जैसे उस जगह ने उसके पैर वहीं पर थाम लिए हो, उसके पैरों को जकड़ लिया हो। अनुराग कहीं और नहीं बल्कि अपने घर के सामने आकर खड़ा हुआ था। अनुराग का घर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो घर उसे अपने पास बुला रहा हो। अनुराग बाहर खड़े होकर उस घर को एकटक नजर से देख ही रहा था कि तभी उस घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और उसके अंदर से रेवती दौड़ते हुए बाहर आती है, जिसने अनुराग को अपनी गोद में पकड़ कर रखा हुआ था। वो अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। रेवती दौड़ते हुए अनुराग के पास आती है और उसके शरीर से आर पार हो जाती है। जैसे ही रेवती उसके शरीर से आर पार होती है, उसे पता चल जाता है कि ये सब उसका एहसास था, कोई हकीकत नहीं। अनुराग कुछ घबराते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, वो औरत कौन थी और वो उस बच्चे को लेकर क्यों भाग रही थी? ये कैसा वहम था मेरा? वो औरत मुझे क्यों दिखाई दी? उसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। रेवती इतनी तेज दरवाजे से भागते हुए अनुराग के पास आई थी कि रेवती ने अपनी गोद में जो बच्चा पकड़ा हुआ था, अनुराग उसका चेहरा देख ही नहीं पाया था। इस हादसे ने अनुराग को और लालायित कर दिया था उस घर के अंदर जाने के लिए। उसका मन तड़पने लग गया था ये देखने के लिए कि आखिर उस घर के अंदर क्या था। अनुराग एक और चीज नोटिस करता है और वो ये थी कि गांव के बाकी सब घर बहुत बुरी हालत में थे, आधे से ज्यादा जले हुए थे। बस एक यही घर था जो थोड़ा सही सलामत था, पर ये भी कुछ हिस्सों से जला हुआ था। अगले ही पल अनुराग बिना कुछ सोचे समझे उस घर के दरवाजे को धक्का देता है और घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही अनुराग दरवाजे की दहलीज को पार करके घर के अंदर घुसता है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो कसकर दर्द से कराहते हुए चीख पड़ता है, आह! ये दर्द भरी चीख अनुराग के मुंह से सिर्फ उसके गिरने की वजह से नहीं निकली थी। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसके हाथ में कोई नुकीली चीज घुस गई हो। जब अनुराग खड़ा होकर अपने हाथ को झटकता है तो देखता है कि उसके उल्टे हाथ की हथेली पर बबूल का कांटा गड़ गया था। वो इतना ज्यादा अंदर चले गया था कि अनुराग की हथेली से खून निकलने लग गया था। अनुराग के हाथ में घुसते ही वो बबूल का सफेद कांटा काला पड़ने लग गया था। अनुराग अपनी हथेली से निकलते हुए खून को देखते हुए कहता है, ये कैसे हो गया? यहाँ दरवाजे की दहलीज पर कौन कांटा रखता है इस तरह? अगले पल अनुराग एक दर्द भरी आह के साथ उस बबूल के कांटे को अपने हाथ की हथेली में से निकाल लेता है। ये हैरान करने वाली बात थी कि कांटा निकालने के बाद भी अनुराग की हथेली से धीरे धीरे खून निकल ही रहा था। वो रुका नहीं था, पर वो खून इतनी धीमी रफ्तार से बह रहा था। अपनी हथेली को नजरअंदाज करते हुए अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग अपने चारों तरफ देखते हुए खुद से कहता है, अंदर से तो ये घर और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। अनुराग ने अभी 3-4 कदम घर के अंदर बढ़ाए ही थे कि तभी उसे वहां पर अपनापन सा महसूस होने लग जाता है। अनुराग फिर खुद से बोल पड़ता है, मुझे यहाँ पर आकर इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस घर से मेरा कोई नाता है? पर मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, आखिर यहाँ पर है क्या? यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर फर्श पर फैले हुए सामान पर पड़ती है और वो देखता है कि वहां पर तांत्रिक अनुष्ठान का सामान रखा हुआ था। एक हवन कुंड था, वहीं पर ढेर सारी राख डली हुई थी। उस राख के ऊपर ही कई सारे बबूल के कांटे पड़े हुए थे जो कि एकदम काले थे। ये वही कांटे थे जिनका उपयोग रेवती ने कंटक टोने में किया था। अनुराग तुरंत उस जगह पर जाता है और वहां पर बैठते हुए उस जगह पर पड़े सामान को बड़े गौर से देखते हुए कहता है, इन चीजों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी ने कोई टोना टोटका किया हो। अनुराग ने कई टोने टोटकों की किताब पढ़कर रखी हुई थी, जिस कारण वो अच्छे से जानता था कि इस तरह का सामान कहाँ पर उपयोग किया जाता है। अनुराग को राख पर पड़े हुए बबूल के कांटे काफी अजीब लगते हैं। वो अगले ही पल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक बबूल के कांटे को उठाने लग जाता है। जैसे ही वो बबूल के कांटे को उठाता है, उसे वो पल याद आता है जब वेदांत रेवती को उस बबूल के कांटे से नवजात जन्मे अनुराग को मारने के लिए कह रहा था और रेवती मना कर रही थी, पर तब भी वेदांत बार बार रेवती पर दबाव बनाते जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वो पल भी अदृश्य हो जाता है। अनुराग हैरानी के साथ खुद से कहता है, मुझे फिर वो औरत नजर आई, और वो आदमी कौन था जो उस बच्चे को मारने के लिए कह रहा था? अनुराग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे दिल धड़कने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। किसी का दिल जोर जोर से धक धक धड़क रहा था। वो धड़कन की आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से कमरा गूंजने लग गया था। अनुराग उस धड़कन की आवाज को सुनते हुए खुद से कहता है, ये दिल धड़कने की आवाज कहाँ से आ रही है? अनुराग उस धड़कन की आवाज को गौर से सुनने लग जाता है और वो नोटिस करता है कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से आ रही थी। वो भी उस जगह से जहां पर राख फैली हुई थी, जिसके ऊपर इस वक्त अनुराग बैठा हुआ था।
अनुराग राग को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये आवाज तो यहाँ से आ रही है, आखिर इसके अंदर है क्या। अगले ही पल अनुराग उस राख को वहां से हटाने लग जाता है। अभी अनुराग ने 3-4 बार राख वहां से हटाई ही थी कि तभी उसे वहां पर हरा हीरा नजर आने लग जाता है। जैसे अनुराग को हरा हीरा नजर आता है, वो राख को वहां से हटाना छोड़ देता है। उस हीरे को देखकर अनुराग शॉक्ड रह गया था। अनुराग उस हीरे को देखते हुए खुद से कहता है, ये हीरा तो ठीक वैसा ही लग रहा है जिसके बारे में मुझे यक्षिणी ने बताया था। कहीं ये महाडायन का हीरा तो नहीं जो उसने भक्षानर को दे दिया था। दिल के धड़कने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। अनुराग कुछ नोटिस करता है और अगले ही पल हैरानी के साथ बोल पड़ता है, ये धड़कन की आवाज तो इस महाडायन के हीरे के अंदर से आ रही है, आखिर इसके अंदर है क्या। हीरे के तल में एकदम बीचों बीच एक काली बूंद थी, वही धड़क रही थी। वो काली बूंद कोई और चीज नहीं बल्कि भक्षानर का अंश था। जब वेदांत ने उस हीरे को अपने पास रखा हुआ था तो उसके अंदर मौजूद भक्षानर के अंश के अंदर धड़कन उसी वक्त आ गई थी। और जब वो सालों तक यहाँ इस घर में रहा तो भक्षानर के अंश की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई। यही कारण था कि वो अंश इतनी तेज धड़क रहा था। अगले ही पल अनुराग उस हीरे को अपने दोनों हाथों में उठा लेता है। जैसे ही अनुराग उस हीरे को छूता है, उसकी हथेली में जहां पर बबूल का कांटा चुभा था वहां से खून की बूंद निकलती है जो सीधे हीरे के अंदर चले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे भक्षानर की खून की बूंद उस हीरे के अंदर गई थी। अनुराग के खून की लाल बूंद हीरे के अंदर मौजूद भक्षानर के खून की काली बूंद से मिल जाती है। अनुराग के लाल खून की बूंद भी काली होने लग जाती है, पर अनुराग का इस चीज पर ध्यान ही नहीं था। उसका पूरा ध्यान हीरे के अंदर क्या था ये देखने में लगा हुआ था। हीरे के बीचों बीच क्या था अनुराग ये देखने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसे उस हीरे के अंदर महाडायन नजर आने लग जाती है और उसे भी वही पूरी कहानी दिखने लग जाती है जो हीरे को हाथ लगाते ही चित्रा को नजर आई थी। अनुराग को भी हीरे से जुड़े किस्से पता चलने लग गए थे। अनुराग को पता चल जाता है कि उसके असली माँ बाप कौन थे। थोड़ी देर पहले जो औरत उसे घर के बाहर भागते हुए दिखी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी असली माँ थी। उसी के कारण अनुराग आज जिंदा था। अगर वो नहीं होती तो बहुत पहले ही उसका वजूद खत्म हो चुका होता। वो इंसानों का नहीं बल्कि भक्षानर का वंशज था। इधर अनुराग उस हीरे के जुड़े किस्से देखते जा रहा था तो उधर खून की बूंद उसकी हथेली से निकलकर उस हीरे के अंदर जाते जा रही थी और काली होती जा रही थी। हीरे के अंदर मौजूद भक्षानर का अंश अनुराग के शरीर का खून हीरे के अंदर खींचने लग गया था। वो हीरा दिखने में तो छोटा था पर अंदर से इतना बड़ा था कि उसने अनुराग का लगभग आधे से ज्यादा खून अपने अंदर समाहित कर लिया था। देखते ही देखते अनुराग के शरीर का सारा खून उस हीरे के अंदर जाकर काला पड़ जाता है और अनुराग को इस बात का पता ही नहीं चलता है। भक्षानर के खून की एक बूंद अनुराग के पूरे खून को काला कर देती है। अचानक से अनुराग को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लग जाती है और जब उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसका हाथ सफेद पड़ने लग गया था। सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। अनुराग दर्द से कराहते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो गया मेरे हाथ को। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।